नमस्कार साथियों, आयुर्वेद में तेलों का बहुत ही महत्व है, उसमें से एक है खस का तेल। इस वीडियो के अंतर्गत इस तेल की जानकारी, इसके फायदे तथा अंत में मैं कुछ चमत्कारिक प्रयोग भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। खस वीरण घास की जड़ होती है। यह जलाशय के पास की भूमि में बहुत आयत से उत्पन्न होती है। वीरण घास की यह जड़ जमीन में 2-2 फीट गहराई तक जाती है। इसे खोदकर पानी से भली भांति धोकर साफ कर लिया जाता है तथा इसके पश्चात इसका उपयोग करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में खस की चटाइयाँ खुशबू एवं शीतलता के लिए काम में लाई जाती है। इन जड़ों पर जब पानी पड़ता है तो इसमें से मंद मंद मनमोहक खुशबू निकलती है। इन्हीं जड़ों के अंदर एक प्रकार का उड़नशील तेल होता है, जिसे आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह तेल रंगहीन होता है। आयुर्वेद अनुसार यह तेल सुगंधित, बल्य, उष्ण, आक्षेप का निवारण करने वाला, मूत्रकारक तथा रज प्रवर्तक है। यह तेल ज्वर, मूर्छा, अपस्मार, पक्षघात, गठिया इत्यादि में दिया जाता है। इन रोगों में यह परम उपकार करता है। खस का तेल ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। खस के तेल का औषधीय महत्व। खस का औषधीय रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से अनेक रोगों में आशाजनक लाभ होता है। कभी कभी अनायास रूप से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में खस का तेल परम उपयोगी सिद्ध होता है। कुछ उपयोगी प्रयोगों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। अवसाद की स्थिति में। अवसाद की स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत समस्यादायक होती है। अवसाद ग्रस्त व्यक्ति चिंता, तनाव अथवा अन्य किसी समस्याओं को लेकर अपने आप में ही घुटा रहता है। किसी काम को करने की इच्छा नहीं रहती है और ना ही किसी से अधिक हंस बोल पाता है। इस प्रकार के व्यक्ति परिवार में अनेक प्रकार की समस्याओं का कारण बन जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि अवसाद जैसी समस्याओं को गंभीरता से लेकर इसका उपचार किया जाए। इसके लिए यहाँ बहुत ही आसान एवं परम उपयोगी उपाय के बारे में बताया जा रहा है। अवसाद उत्पन्न होने पर खस के तेल की थोड़ी सी मात्रा हथेलियों पर लेकर मसल ले तथा हथेलियों को ही हाथों एवं चेहरे पर फैला देना चाहिए। ऐसा लगातार कुछ दिनों तक करने से अवसाद में कमी आती है। मूर्छा आ जाने पर संबंधित व्यक्ति के नाक में एक एक बूंद खस का तेल टपकाने से लाभ होता है। लकवा हो जाने की स्थिति में। किसी भी व्यक्ति के हाथ, पैरों अथवा चेहरे पर लकवा मार जाने की स्थिति में उसे संबंधित स्थान पर खस के तेल की हल्के से मालिश करें। कुछ दिनों के नित्य इस प्रयोग से लाभ होता है। त्वरित परिणाम हेतु दिन में एक बार भैंस के कच्चे दूध में खस का तेल मिलाकर भी हल्के से मालिश करनी चाहिए। लकवे की प्रारंभिक स्थिति में यह प्रयोग करने से लाभ का प्रतिशत अत्यधिक रहता है। लकवे के आक्रमण के बहुत दिनों के बाद उपचार करने से लाभ की आशा कम रहती है। इसके उपरांत भी अगर इस तेल का प्रयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होता है। मूत्र खुलकर ना आने की स्थिति में। जिस व्यक्ति को खुलकर मूत्र ना आ रहा हो, उसे बतासे में 2-3 बूंद खस का तेल डालकर सेवन करना चाहिए। ऊपर से पर्याप्त पानी पी ले, इस प्रयोग से लाभ होता है। पेशाब ज़्यादा खुलकर आता है। जो लोग इसका सेवन ना कर सके, वे लिंग छिद्र पर थोड़ा सा खस का तेल लगा ले, इससे भी वही लाभ होता है। गठिया पर। गठिया की प्रारंभिक अवस्था में जहाँ पीड़ा हो, वहाँ पर रई तथा खस के तेल की मालिश करनी चाहिए। ऐसा करने से पीड़ा में कमी आती है तथा व्याधि बढ़ती नहीं है। अपस्मार पर। जिन लोगों को अपस्मार रोग की पीड़ा हो, उन्हें अपने हाथ पैरों में खस के तेल की मालिश अवश्य करनी चाहिए। साथ ही उन्हें अपनी जेब में जायफल के 4 से 6 नग रखने चाहिए। यही नहीं, उनके तकिए पर भी 2-3 बूंद खस का तेल लगाए रखना चाहिए। इन प्रयोगों के परिणाम स्वरूप लाभ अवश्य होता है। जिन महिलाओं को मासिक स्त्राव बराबर नहीं हो रहा हो अथवा मासिक स्त्राव रुक रुक कर आता हो, उन्हें शक्कर के भूरे में 3-4 बूंद खस का तेल मिलाकर लेना चाहिए तथा ऊपर से आधा गिलास गुनगुना जल पी लेना चाहिए। इस प्रयोग के परिणाम स्वरूप मासिक धर्म खुलकर होने लगता है, उसकी अनियमितता समाप्त होती है। पति पत्नी के बीच में सहवास संबंध दोनों के बीच में प्रेम बढ़ाने का आवश्यक सेतु समझा जाता है। जिन दंपतियों के बीच में यह संबंध सही एवं संतोषप्रद रहते हैं, उनके बीच में आपसी तालमेल एवं समन्वय अच्छा देखा जाता है। जहाँ पर सहवास संबंध तनावपूर्ण अथवा असंतुष्टिपूर्ण होते हैं, वहाँ पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होने लगती है। जिन दंपतियों में कोई एक सहवास के प्रति निष्क्रिय एवं उदासीन रहता है, तो भी दंपत्य संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन नीरस होने लगता है तथा उसमें प्रायः कलह आदि भी होती है। ऐसी स्थिति में 10 भाग जैतून के तेल में 1 भाग खस का तेल मिलाकर रख ले। इस मिश्रण में रुई की फूलबत्ती बनाकर डुबोकर पीतल के दीपक पर रखकर शयन कक्ष में किसी भी समय प्रज्वलित कर दे। यह दीपक 5 से 7 मिनट तक जलता है। इतना जलना ही पर्याप्त है। इस प्रयोग से जो सहवास के प्रति निष्क्रिय होता है, उसकी सक्रियता बढ़ने लगती है। इस प्रकार उसका दाम्पत्य जीवन सुधरने लगता है। खस का तेल ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। यह सभी जानकारी निरोग दुनिया प्रकाशित चमत्कारिक तेल पुस्तक से ली गई है। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है और इस प्रकार तेलों की जानकारी आप और प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आयुर्वेद के पन्नों से जुड़ें।
धन्यवाद। वंदे मातरम।